हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के स्टूडियो में हम क्लास टेंथ का जो आपका टर्म टू एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस स्टूडियो में हम टर्म टू एग्ज़ाम के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर देखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका टर्म टू एग्ज़ाम होगा तो टर्म टू एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे होगा और मार्क्स आप देख सकते हैं 40 नंबर का होगा। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले सामान्य निर्देश को पढ़ना ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले एक बार हम जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, क और ख। सेकेंड पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। और थर्ड पॉइंट कहा गया है कि लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है कि खंड क में कुल 3 प्रश्न है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी तरह से लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि खंड ख में कुल 4 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा था जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड क हमारा है और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वे सारे आपकी बुक के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि इसी के क्वेश्चंस होंगे ये। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन में हमें टोटल 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन सभी के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी के उत्तर आपको लिखने हैं और ये हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर एक आपका टोटल 8 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इन चारों क्वेश्चंस के हम एक बार आंसर देख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला था यानी कि क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट, उसका आंसर ये रहा पूरा। इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्या कहा गया है कि फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। इसी तरह से पूरा है, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप खुद ही वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क का आंसर। अब इसी तरह से जो ख है इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका ख का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो ग है उसका आंसर ये रहा हमारा ग का, ये पूरा है। और फिर इसके बाद जो घ है उसका आंसर आप देख सकते हैं, घ में हमने क्या कहा गया है, घ वाले क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं। तो देखिए घ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम एक बार। तो देखिए इसके आंसर में सिर्फ हमें यही लिखा गया है कि उचित तर्क पर उपयुक्त अंक दिए जाएं। तो इसका आंसर ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको इसका आंसर खुद अपने दिमाग से लिखना है, क्योंकि हमें ये बताना है कि क्या बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। ठीक है, आपको अपने दिमाग का यूज़ करके और फिर इसका आंसर लिखना है। और आगे कहा गया है कि यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमारा हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल 6 नंबर हो गया। तो देख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। इसी तरह से ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो इनका आंसर देखते हैं हम एक बार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स हैं उनके आंसर। हालांकि आपको सिर्फ 3 ही करने हैं, लेकिन हम 4 के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क जो है उसका आंसर ये रहा पूरा, कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है, वह बादलों से गरजने के लिए कहता है क्योंकि एक और बादलों के गरजने में उत्साह समझा है, तो दूसरी ओर उसका उद्देश्य लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो ये हमारा था। इसी तरह से जो ख है उसका आंसर आप देख सकते हैं, ये पूरा है ख का आंसर। और इसी तरह से जो ग है
उसका आंसर आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, ये पूरा है यहाँ तक। और फिर जो घ है इसमें भी हमसे कहा गया है कि उचित तर्क पर उपयुक्त अंक दिए जाएं, यानी कि इसमें भी जो घ क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको अपने दिमाग से ही लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दो के आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर तीन हमारा क्या है ये आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें टोटल तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से किन्हीं दो के आंसर हमें करने हैं, और हर एक क्वेश्चन इसमें हमारा तीन नंबर का होगा, तो टोटल 6 अंक हो गए क्योंकि इसमें आपको सिर्फ दो के ही आंसर करने हैं। तो देख सकते हैं आप क क्वेश्चन क्या है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसी तरह से ख और ग ये तीनों क्वेश्चन है, तो हम तीनों के एक बार आंसर देख लेते हैं। तो डीएसओएस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीन का जो क है उसका आंसर हमारा ये रहा पूरा, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। इसी तरह से ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क का आंसर। अब देखिए ख जो है उसका आंसर ये रहा हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया ख का आंसर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ये देखिए ख में ही हमारा आगे भी है, यानी कि यहाँ तक है ख का आंसर। फिर इसके बाद जो ग है उसका आंसर हमारा ये रहा पूरा ग का। तो इस तरह से ये हमारा था क्वेश्चन नंबर तीन के सारे पार्ट्स के आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर चार है, और यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट हो जाता है जो कि रचनात्मक लेखन वाला खंड है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है किसी एक विषय पर, ठीक है, जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना है, और अनुच्छेद आपका 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इसमें तीन टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि सबसे प्यारा देश हमारा है, और इसके आपको संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। तो देखिए हमें पहला संकेत बिंदु भौगोलिक स्थिति दिया गया है, फिर प्राकृतिक सौंदर्य, फिर विविधता में एकता की भावना, और अत्यंत प्राचीन संस्कृति। तो इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको अनुच्छेद लिखना है इस टॉपिक पे, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा टॉपिक दिया गया है और इसके भी संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। इसी तरह से तीसरा टॉपिक दिया गया है और इसके संकेत बिंदु भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक को आपको चूज करना है और उस पर आपको लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर में आपको सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो भूमिका होगा वो आपका एक नंबर का होगा, इसी तरह से विषय वस्तु आपका तीन नंबर का होगा, और जो भाषा है वो एक नंबर का होगा। यानी कि जो आप अनुच्छेद लिखेंगे तो उसमें जो आप भूमिका लिखेंगे उसके आपको एक नंबर मिलेंगे, फिर इसके बाद जो विषय वस्तु यानी कि जो मेन कॉन्टेंट होगा आपका जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे जो अनुच्छेद आप लिखेंगे वो आपका विषय वस्तु तीन नंबर का होगा, और भाषा का ध्यान रखना है आपको, इसका आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें जो अनुच्छेद लेखन है इसमें इसके आंसर में सिर्फ यही बातें कही गई है। और इसके अलावा अनुच्छेद लेखन हम किस तरह से लिखते हैं ये मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, यानी कि किस तरह से अनुच्छेद लिखते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है कि कोरोना नियमों की अवहेलना की शिकायत करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें हमसे पत्र लिखने के लिए कहा गया है, और पत्र भी आपका 5 नंबर का ही आएगा। तो इसमें हमें टोटल 2 दिए गए हैं पत्र लिखने को, एक तो हमारा ये औपचारिक है और दूसरा ये अनौपचारिक है, क्योंकि इसमें हमसे कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षा में आ रही कठिनाइयों का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। तो ये हमारा अनौपचारिक है, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं हम, इसकी वीडियो भी मैंने बना के चैनल पर अपलोड किया है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हम पत्र कैसे लिखते हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। तो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर में यानी क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में हमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आरंभ और अंत की औपचारिकताएं जो है इसका आपको एक अंक मिलेगा, यानी कि आप किस तरह से शुरू कर रहे हैं पत्र को लिखना और किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, अगर ये सही रहा आपका तो आपको एक नंबर मिलेगा। इसी तरह से विषय वस्तु यानी कि जो बीच में आप लिखते हैं मेन कॉन्टेंट, उसका आपको 3 नंबर मिलेगा और भाषा का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए? 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर का आपका अनुच्छेद और 5 नंबर का पत्र लिखने को आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे कहा गया है कि विद्यालय में प्रस्तावित पुस्तक मेला के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें हमसे विज्ञापन लिखने के लिए कहा गया है और इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है, तो चाहे तो आप ये या फिर ये दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा ये या फिर ये दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आपका 5 नंबर का ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 करने हैं, इसीलिए दोनों आपके 2.5 नंबर के होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2.5 का ये होगा, 2.5 का ये हो गया, तो इसीलिए 5 नंबर हो गए टोटल। अब इनके आंसर देख लेते हैं हम एक बार। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर में भी यानी क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में भी हमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि विषय वस्तु का 1 अंक है, इसी तरह से प्रस्तुति का 1 अंक और भाषा का आपका 0.5 अंक। ठीक है, तो ये विज्ञापन हम किस तरह से लिखते हैं इसकी वीडियो मैं एक बनाऊंगा, उसको आप देख लेना। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरह से हम विज्ञापन लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो इसमें हमसे संदेश लिखने के लिए कहा गया है और ये हमारा ये या फिर ये दोनों में से किसी एक को करना है, क्योंकि हमें अथवा में दिया गया है, और इसी तरह से ये या फिर ये दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा हर एक जो क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का है, इसीलिए 5 नंबर टोटल हो गए, क्योंकि इसमें आपको 2 करने हैं, इन दोनों में से किसी एक को और इसी तरह से इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो इसका एक बार हम आंसर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिर्फ हमें इतना ही कहा गया है, जो संदेश लेखन है इसमें भी इतना ही है कि रचनात्मक प्रस्तुति का 1 अंक मिलेगा और विषय वस्तु का 1 अंक मिलेगा और भाषा का 0.5 अंक मिलेगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे कि संदेश कैसे लिखते हैं यानी कि संदेश लेखन कैसे हम लिखते हैं, इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको चाहिए कि हम कैसे संदेश लेखन लिखते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर। तो इस तरह से इस सैम्पल पेपर में हमारे टोटल 7 ही क्वेश्चन है, यानी कि इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपका टर्म 2 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी आपके टोटल 7 ही क्वेश्चन आएंगे। और आपने ये भी देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यानी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।